Friends, how are you? I hope that you all have been taking a very good care about your health as well as your studies. आज इस बहुत ही छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द. आइए देखते हैं. अलाउ का है डिसअलाउ. अलाउ की हिंदी है अनुमति देना और डिसअलाउ उसका ओपोजिट है यानी कि अनुमति ना देना. अराइवल का डिपार्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. अराइवल आगमन, डिपार्चर है बहिर्गमन यानी कि जाना. नेक्स्ट देखेंगे आर्ममेंट, युद्ध सामग्री, इसका ओपोजिट है डिसआर्ममेंट यानी कि निशस्त्रीकरण. ठीक है. नेक्स्ट है एब्सर्ड यानी कि असंगत, इसका ओपोजिट है रीजनेबल यानी कि तर्क संगत. कहते ना बड़े ही रीजनेबल प्राइस है हमारे यहाँ. जी हाँ. नेक्स्ट है एक्विट, इसकी हिंदी है रिहा करना और इसका ओपोजिट है कन्विक्ट मींस दोषी ठहराना. नेक्स्ट है बैरन यानी कि बंजर और ओपोजिट है फर्टाइल यानी कि उपजाऊ. कॉन्फिडेंस विश्वास, ओपोजिट है डिफिडेंस यानी कि अविश्वास. क्रिएशन सृष्टि यानी कि निर्माण और ओपोजिट है डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश. डिस्ट्रेस दुख या परेशानी और ओपोजिट है कंफर्ट यानी कि आराम. ड्वार्फ है बौना, जायंट है विशाल. डायनेमिक गतिशील और ओपोजिट है स्टैटिक यानी कि स्थिर, इसमें गति ना हो. डॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है. उषा काल, सुबह से पहले का टाइम, इसे कहते हैं पौ फटना और ओपोजिट है डस्क यानी कि गोधूली बेला, शाम से थोड़ा पहले का समय जिसमें उजाला हो. शाम मीन्स इवनिंग जब अंधेरा होने लगे. तो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो. अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट लविंग एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी. बाय.